हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो रिवाइज्ड एलएलपी सेटलमेंट स्कीम एमसीए के द्वारा नोटिफाई की गई है उसके रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलीज किए गए हैं। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की कॉरपोरेट लॉज एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस कमेटी है उसके द्वारा ये FAQs प्रिपेयर किए गए हैं। तो रिवाइज सेटलमेंट स्कीम है, उससे पहले हम ये डिफरेंस जानना चाहेंगे जो रिवाइज स्कीम है और जो पुरानी स्कीम थी उसके अंदर क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे जो 14 नंबर जो FAQ दिया गया है वहाँ पे ये बताया गया है। यहाँ पे बेसिकली दो तरह के डिफरेंस है, एक तो यहाँ पे एडिशनल फीस का डिफरेंस है और जो है कौन कौन से फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं। तो जो पुरानी स्कीम थी जो 4 मार्च को नोटिफाई की गई थी उसके अंदर उस स्कीम को अगर आप ऑप्ट करते जो 31 मार्च तक वैलिड थी उसके अंदर आपको ₹10 पर डे एडिशनल फीस देनी पड़ती थी जो कि मैक्सिमम 5,000 तक जा सकती थी किसी भी फॉर्म के रिगार्डिंग। लेकिन जो रिवाइज एलएलपी सेटलमेंट स्कीम है जो कि 30 मार्च को नोटिफाई की गई है और 1 अप्रैल 2020 से अप्लीकेबल है उसके अंदर यहाँ पे कोई भी एडिशनल फीस आपको नहीं देनी है। और जो फॉर्म्स के रिगार्डिंग जो पुरानी स्कीम थी जो कि 4 मार्च को नोटिफाई की गई थी उसके अंदर आप फॉर्म 3, 4, 8 और फॉर्म नंबर 11 यही फॉर्म आप फाइल कर सकते थे जो कि एडिशनल फीस आपको ₹10 पर डे देनी थी। लेकिन जो रिवाइज सेटलमेंट स्कीम है वो सभी तरीके के फॉर्म्स के लिए अप्लीकेबल है, जो भी LLP एक्ट और उसके रूल्स बनाए गए हैं उनके अंदर यहाँ पे आपको फर्निश करने हैं। तो सभी तरह के फॉर्म्स यहाँ पे रिवाइज स्कीम के अंदर कवर किए गए हैं, कोई भी एडिशनल फीस आपको नहीं देनी। तो आप इसकी डिटेल में जानना चाहेंगे तो हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। अब जो रिवाइज LLP स्कीम है उसके बारे में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रिवाइज LLP सेटलमेंट स्कीम। तो रिवाइज LLP सेटलमेंट स्कीम इज़ अ स्कीम टू गिव वन टाइम वेवर फॉर एडिशनल फाइलिंग फीस और डिलेड फाइलिंग बाय द LLPs विद द ROC विद ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ स्कीम्स दैट इज ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल 2020 एंड एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2020 रेफर जनरल सर्कुलर नंबर 13/2020 अवेलेबल एट द MCA वेबसाइट लिंक। तो यहाँ पे जो भी रिवाइज LLP सेटलमेंट स्कीम है इसमें यहाँ पे वन टाइम वेवर दिया गया है, जितनी भी आपको एडिशनल फीस पे ऑफ करनी होती है अब ड्यू डेट के बाद अगर आप फाइल करते हैं LLPs फॉर्म तो उनके उस एडिशनल फीस के लिए वन टाइम वेवर दिया गया है ROC की तरफ से। अगर आप वो जो भी आपके पेंडिंग फॉर्म्स हैं अगर आप उन फॉर्म्स को 1 अप्रैल 2020 और 30 सितंबर के बीच में फाइल करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवाइज स्कीम। द MCA इन ऑर्डर टू सपोर्ट एंड एनेबल LLP रजिस्टर्ड इन इंडिया टू फोकस ऑन टेकिंग नेसेसरी मेजर्स टू एड्रेस द COVID-19 थ्रेड एंड टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन द सर्टेन मॉडिफिकेशन टू द जनरल सर्कुलर नंबर 6/2020 एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2020 to 30 सितंबर 2020। यानी कि जो COVID-19 का थ्रेट है उसको कम करने के लिए और जो LLPs के ऊपर जो बर्डन कम करना चाहती है गवर्नमेंट उसके उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो ओरिजिनल सर्कुलर था 6/2020 जिससे यहाँ पे LLP जो पुरानी LLP सेटलमेंट स्कीम थी उसमें यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं और ये जो नई LLP सेटलमेंट स्कीम है उसको 1 अप्रैल से नोटिफाई कर दिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रिवाइज सेटलमेंट स्कीम। तो टाइम पीरियड फॉर द रिवाइज सेटलमेंट स्कीम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज द 1 अप्रैल 2020 एंड सेल रिमेन इफेक्टिव टू 30 सितंबर 2020, बोथ डेज आर इंक्लूसिव। नाउ व्हाट इज़ द डिफॉल्टिंग LLP एज पर द स्कीम, बिकॉज दिस स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर द डिफॉल्टिंग LLP। सो डिफॉल्टिंग LLP मीन्स LLP रजिस्टर्ड अंडर द LLPs एक्ट 2008 एंड विच हैज़ मेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर द LLP एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। यानी कि डिफॉल्टिंग LLP वो LLP है जो LLP एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और जिसने डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने में डिफ़ॉल्ट किया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे LLP एक्ट और उसके रूल्स के अंदर नोटिफाई किए गए हैं। कॉन्टेक्चुअली द डिफॉल्टिंग LLP इज़ वन दैट हैज़ मेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर एक्ट एंड नॉट मेड गो टू द डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एज पर द स्कीम। यानी कि जो बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जो आप इस स्कीम के अंदर फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मीन्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन द MCA 21 रजिस्ट्री अंडर द प्रोविजंस ऑफ LLP एक्ट 2008 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। दस ऑल द फॉर्म्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ LLP एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। सो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ड्यू डेट्स के बाद
फाइल किए हैं या फाइल करना चाहते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बिलेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो जो फॉर्म्स आपके ड्यू डेट पे फाइल नहीं हो पाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स बिलेटरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कवर किए गए हैं। वेदर एन एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन टू द आरओसी टू अवेल द स्कीम, नो, द डिफॉल्टिंग एलएलपी मे अवेल द स्कीम फॉर फाइलिंग सच फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच हैव नॉट बीन फाइल्ड और रजिस्टर्ड इन टाइम एंड द टाइम ऑफ फाइलिंग आल्सो पे स्टेटरी फीस एज आर एप्लीकेबल। तो यहाँ पर कोई सेपरेट एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, जो भी आपके पेंडिंग फॉर्म्स हैं वो नॉर्मल फीस के साथ आप फाइल कर सकते हैं, कोई भी आपको एडिशनल फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वट शैल बी द मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ फीस एंड एडिशनल फीस ऑन द फाइलिंग ऑफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर सीकिंग इम्यूनिटी अंडर द स्कीम, अंडर द स्कीम फॉर एबिलिटी डॉक्यूमेंट्स द एलएलपी शैल पे स्टेटरी फाइलिंग फीस एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर एलएलपी एक्ट एंड शुड मेट दैट अंडर। जो भी यहाँ पे नॉर्मल फीस दी गई है वो आपको सिर्फ और सिर्फ वही पे करनी है। वेदर एनी एडिशनल फीस पेबल फॉर फाइलिंग फॉर्म अंडर, यहाँ पर कोई एडिशनल फीस है नहीं पे करनी, इसी एडिशनल फीस का यहाँ पे मेनली वेवर दिया गया है। वैन द स्कीम शैल बी एप्लीकेबल, द स्कीम शैल बी एप्लीकेबल ऑन फाइलिंग ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ फीस प्रिस्क्राइब्ड। सो जितने भी फॉर्म्स हैं उन सब के लिए यहाँ पे स्कीम अप्लीकेबल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, विच एलएलपी आर ineligible for availing the scheme, so this scheme is not applicable for the LLP which have made an application in form 24 to the ROC for striking off its name from the register as per the provisions of rule 37 sub rule 1 of the LLP rules 2009, yani ki jo bhi LLP jin bhi LLP ne strike off ke liye application yahan pe ROC ke andar dakhil kar di hai wo LLP is scheme ka benefit nahi utha sakti। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट डॉक्यूमेंट फॉर विच पीरियड इन द पास्ट ए डिफॉल्टिंग एलएलपी इज परमिटेड टू फाइल, सो डिफॉल्टिंग एलएलपी इज परमिटेड टू फाइल बिलेटरी डॉक्यूमेंट्स विच आर ड्यू ऑन ड्यू फॉर फाइलिंग टिल 31 अगस्त 2019 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द स्कीम, यानी कि 31 अगस्त को जो भी आपके पेंडिंग फॉर फाइलिंग्स हैं डॉक्यूमेंट्स, वो उन फॉर्म्स को आप फाइल कर सकते हैं और उन फॉर्म्स के ऊपर कोई भी एडिशनल फीस आपको पे ऑफ नहीं करनी है। इज देयर एन इम्यूनिटी फ्रॉम prosecution in respect of documents filed under the scheme, yes, defaulting LLP which have filed the pending documents till 30 September 2020 and made good the default shall not be subjected to prosecution by the ROC for defaults in filing of forms and documents by the due date, यानी कि जो भी आपने documents file किए उनके against कोई भी prosecution वहाँ से ROC के against यहाँ पर initiate नहीं किया जाएगा। 14 नंबर question हम पहले ही discuss कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 15, व्हाट एक्शन रजिस्ट्रार कैन टेक ऑन द डिफॉल्टिंग एलएलपीज व्हिच हैव नॉट अवेल्ड द स्कीम आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द सेम, ऑन द कंक्लूजन ऑफ द स्कीम आफ्टर 30 September 2020 द रजिस्ट्रार शैल टेक नेसेसरी एक्शन अंडर द एलएलपी एक्ट 2008 अगेंस्ट द एलएलपी व्हिच हैव नॉट अवेल्ड द स्कीम एंड आर इन डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2018 इन अ टाइमली मैनर, द डिफॉल्टिंग एलएलपी मे बी सब्जेक्टेड टू प्रोसिक्यूशन बाय द रजिस्ट्रार फॉर सच डिफॉल्ट, यानी कि जो भी एलएलपी एक्ट के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अंदर यहाँ पे एक्शन इनिशिएट किया जाएगा और जो भी डिफॉल्टिंग एलएलपी है उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।